आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं। हेलो गाइज, ये है टॉप स्टेटस एडिटिंग। दोस्तों आपको ये आज का स्टेटस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके का स्टेटस पसंद आया है तो दोस्तों आप इस तरीके के स्टेटस को ज़रूर बनाइएगा। आप इस तरीके के स्टेटस को बनाएंगे अपने फ़ोटो से तो आपका स्टेटस बहुत ही कमाल का लगने वाला है। इस तरीके के स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज़ होने वाला है उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन करना होगा कैन मास्टर एप्लीकेशन। तो दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा, एडिटिंग में आना होगा और यहाँ से आपको कुछ सेटिंग कर लेनी है। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है 4.0 पे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। अब गाइस यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना है और अपने फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है जिनसे आप अपना इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं अपने कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी सिलेक्ट कर लेना होगा क्योंकि तभी आपका स्टेटस कमाल का बन के तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, आपको भी कर लेने होंगे क्योंकि स्टेटस अगर आपका बनेगा तो कमाल का ही बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों हमारे सारे फ़ोटो फुल स्क्रीन हो गए हैं। इस तरीके से सिर्फ आपको एक सेटिंग कर लेनी होगी। और दोस्तों जिस भी फ़ोटो का अगर आपका अच्छा नहीं आया एडजस्टमेंट करनी है तो आप उसे यहाँ से इस पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके जिस भी फोटो कलर्स अच्छे नहीं हैं आप सिंपली कर सकते हैं। जैसे आपको सिलेक्ट करना होगा, नीचे आना होगा, कलर्स एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आप अपने फोटो के कलर्स को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से आपको जो अपने फोटो के कलर्स को अच्छा कर लेना है और सारे फोटो में आपको बिग्निटी को दे देना है, तो इस तरीके से आपको कर लेना होगा। तो गाइस इसी तरीके से आपको भी अपने सारे फोटो के बीच बिग्निटी को इनेबल कर देना है और फोटो के कलर्स को अच्छा कर लेना है अगर कलर्स अच्छे नहीं है तो। दोस्तों यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसके भी। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको बैक आ जाना है, आपको फोटो को सिलेक्ट करना होगा, क्लिप ग्राफिक्स में जाना होगा और सारे फोटो में आपको एक ग्राफिक्स को ऐड करना होगा जिसका नाम है कैम मोशन। तो सबसे पहले आपको उसे डाउनलोड करना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं गेट मोड पे क्लिक कर देता हूँ। गेट मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे आ जाना होगा, ट्रैवल का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कैम मोशन वाला ग्राफिक्स मिल जाएगा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड पर क्लिक करके मैं भी इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ से आपको इसे लगा लेना है। तो गाइस यहाँ से मैं इसे लगा लेता हूँ, तो देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। अपने जितने भी फोटो सिलेक्ट किए हैं आपको सारे फोटो में इस ग्राफिक्स को ऐड कर लेना है। तो फटाक से मैं कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैंने अपने सारे फोटो में इस ग्राफिक्स को ऐड कर लिया है, तो आपको भी यहाँ से कर लेना होगा जिससे आपके वीडियो में कुछ अलग ही इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल शुरू में आ जाना है फोटो के बीच में। यहाँ से आपको जो हाइड वाला ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे हमें ट्रांजिशन इफेक्ट को लगाना होता है, सिंपली आपको आप उस पर क्लिक कर देना होगा। जब गाइस आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट को लगाना होगा। कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए यहाँ से आपको गेट मोर पे क्लिक करना होगा। गेट मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना होगा, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है पाइप, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आना होगा, यहाँ से आपको एक ट्रांजिशन मिल जाएगा जिसका नाम है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक पाइप। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा और इसे आपको लगा लेना होगा अपने सारे फोटो के बीच में। देख लीजिए दोस्तों यहाँ से मैंने इसे लगा लिया है, तो देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको बहुत सारे कलर के ट्रांजिशन मिल जाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए दोस्तों ये वाला लगा लिया मैंने। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी लगा लेना होगा। तो गाइस यहाँ से मैंने अपने सारे फोटो के बीच में इस ट्रांजिशन को ऐड कर लिया है, आपको भी कर लेना होगा जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको कई सारे कलर के ट्रांजिशन मिल जाते हैं, तो दोस्तों आपको इसे ऐड कर लेना होगा। ठीक है गाइस, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ से हमारे सारे फोटो में देख लीजिए दोस्तों सारे फोटो का साइज़ कम हो गया है। तो दोस्तों आपको पहले और लास्ट वाले फ़ोटो का भी साइज़ कम कर लेना है, तो यहाँ से मैं आता हूँ, इसको भी आपको कम कर लेना होगा इस तरीके से। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस यहाँ से आपको बिल्कुल शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है,
अब आपको जाना होगा दोस्तों डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं कर लूँगा, बिल्कुल नीचे आना होगा आपको और आपको उसे ऐड जरूर कर लेना है। ये वीडियो आ चुकी है कैची के बराबर वाले ऑप्शन में, क्लिक करके आपको उसे फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना होगा, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ी बड़ी हो गई है, वीडियो छोटी है, तो दोस्तों यहाँ से आपको पीछे से फोटो को कट कर देना होगा इस तरीके से, ठीक है गाइस। और इस वाले फोटो का साइज आपको कम कर देना होगा, ठीक है। या फिर दोस्तों आप डुप्लीकेट लेयर बना के आपको वीडियो में लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, आपको दोबारा जाना होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको बिगनेट वाली PNG को ऐड कर लेना होगा। उसका भी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो सारे मटेरियल को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको आपको इस तरीके से बड़ा करना होगा और यहाँ पर ला के लगा देना होगा। स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है। उसके बाद दोस्तों लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, आपको दोबारा जाना होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको एक दोस्तों यहाँ से आपको एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, ये वाली वीडियो, ठीक है गाइज। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोस्तों हमारे पास एक और वीडियो में बोसे को भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में आपको जो भी पसंद हो, मैं दोनों का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो दोस्तों आप ये वाली भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो सिंपली आप उसे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मास्क को इनेबल करना है, सेप को सिलेक्ट करना है, ये वाली सिलेक्ट कर लेना है सेप। उसके बाद बैक आना है और नीचे जो आपको लोगो देखने के लिए मिलता है सिंपली आपको उसे कट कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो लिरिक वाली वीडियो है आपको उसे सिलेक्ट करना होगा, नीचे आना होगा ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो गाइस यहाँ से अब आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ला के यहाँ से रख देना होगा, जिसे देख लीजिए दोस्तों काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। इसी वीडियो में आपको म्यूजिक भी मिल जाएगा और लिरिक भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल शुरू में आ जाना है और इफेक्ट वाली वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना होगा। तब देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा जो देखने में काफ़ी बेस्ट लगता है, ठीक है गाइज। इस लिरिक वाली वीडियो को आपको ऐड सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर ला के रख देना होगा, ठीक है गाइज। तो ये काफ़ी बेस्ट लगेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को बना लेना है। तो गाइज यहाँ से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप बॉर्डर वाली PNG लगाना चाहते हैं तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको बॉर्डर वाली PNG को भी ऐड कर लेना है, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, स्क्रॉल करके आपको पूरी वीडियो में कर देना होगा, नीचे आना है ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो गाइस यहाँ से हमारी वीडियो में बॉर्डर भी लग चुका है और हमारा स्टेटस बहुत ही कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। चलिए गाइस एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने इस तरीके के स्टेटस को बना सकते हैं। इसको सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट 30 रखने के बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना। सारे मटेरियल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें।